हाय गाइस, आप सबका स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों देखिए, अभी बरसात का मौसम चल रहा है, तो मौसम बहुत ख़राब है। 3-4 दिन से भारी बारिश हो रहा है और पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो दोस्तों इस समय में हम लोग जो गांव घर में जो गाय बैल रखते हैं, बकरी रखते हैं, तो बहुत दिक्कत हो जाता है। इसमें है क्या, अरे मच्छर भी काट लिया। इसमें होता क्या है कि पहले जो धूप होता निकलता था तो हम लोग जाके खुटवा देते थे, गाय को अपने आप चरता था। लेकिन अभी जो बारिश का सीजन में ना, गाय अपने से नहीं चरता है, देखिए चराना पड़ता है। देखिए मेरे पीछे जो गाय आ रहे, एक बछिया है और साथ में हम छाता ले लिए हैं ताकि पानी वानी अगर आएगा तो फिर दिक्कत ना हो इसीलिए। और देखिए सुबह से हम थोड़ा देर खुटवा दिए थे, लगभग 1-2 घंटा, फिर अभी आए हैं थोड़ा देर के लिए। अभी 1-1.5 घंटा अभी चराना है, फिर इसको बगाली करना है, जो कि हम लोग को करना पड़ता है गाँव घर में। और अभी नहीं अगर चराएंगे तो फिर 2 साल से खेती भी नहीं हुआ, इन साल भी खेती नहीं हुआ, पिछले साल भी खेती नहीं हुआ था। तो खेती नहीं होने के कारण जो घर में नरुआ हुआ है वो सब नहीं है, भूसा भी नहीं है, खिलाएंगे क्या। धान रहने से भूसा वूसा होता था, लेकिन धान भी नहीं हुआ था पिछले साल। इन साल भी जो भी नरुआ था पिछले साल ही ख़त्म हो गया, इन साल अभी कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत है तो देते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन अगर चरा लेंगे तो फिर रात में खिलाने का टेंशन नहीं रहेगा। अभी खिला दिए, अभी चरा दिए, पेट भर जाएगा, रात भर टेंशन ख़त्म। और अगर नहीं चराते, जिनके पास है वो तो फिर घर में बांध के रखता है, घर के में बांध के रख के अपने नरवा दे दिया, भूसा दे दिया, खिला दिया, जिसके पास है वो खिला रहा है। चलो भाई, इन साल भी तर दोस्तों खेती नहीं हुआ, खेती नहीं होने के चलते बहुत दिक्कत हो रहा है। देखिए थोड़ा बहुत इस सब में जोड़रा वोड़रा लगाया था, मकई लगाया था, लेकिन वो भी नहीं हुआ बढ़िया से। इस साइड में लगाया हुआ है, देखिए इन साइड में है, लेकिन हम लोग का तो वो भी नहीं हुआ है। धान का खेती थोड़ा बहुत हुआ है, पानी बारिश अभी दे रहा है, लग रहा है कि अभी सावन का मौसम है। अब भादो पार हो गया, हम लोग को बंगला में भादो पार करके आसिन महीना घुस गया, लेकिन पानी का नाम नहीं, अभी पानी हो रहा है। अगर पानी अगर सावन में होता है यही पानी, तो फिर खेती खेत सारा खेत रोपा जाता, टेंशन नहीं रहता, इन साल नरुआ भी हो जाता, धान भी होता, भूसा भी होता, सारा चीज़ होता। तो दोस्तों अभी देखिए हम लोग गाय चराने आए हैं, पहले तो कुटिया दिए थे, देखिए यही साबुन लेके रस्सी में बांध के खुटिया देते। अभी बहुत दिन से खुटिया के रखते हैं ना, इसीलिए छोड़ते नहीं है, क्या कि छोड़ने के बाद क्या होता है कि दौड़ने लगता है, लोग का पैर में खुजली टाइप का होता है, जिससे कि वो भागने चाहता है। कल इस तरह खोल दिए थे बछिया को, भाग गया था, फिर उसको पकड़ के लाए, आज रस्सी में रखे हैं, कहा कि अगर भागबो करेगा तो रस्सी पकड़ सकते हैं, दौड़ के पकड़ लेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहेंगे, दोस्तों आपको फिर तालाब की तरफ ले जाएंगे, उधर भी देखेंगे कितना पानी गहराई, कितना पानी भरा है, पानी है, मछली भी है, मछली बहुत सारा आदमी मार रहा है, वो भी दिखाएंगे दोस्तों। दोस्तों मैं भी ब्लॉग में बने रहे। तो दोस्तों अभी घूमते घूमते देखिए हम बैयार तरफ आ गए हैं, और आपको एक नज़ारा दिखा रहे हैं कि देखिए दोस्तों यहाँ पर पीछे ईंट भट्टा दिख रहा है मेरे पीछे, और इधर बिजली का तार भी पार हुआ है। लेकिन दोस्तों आप सामने यहाँ दिखा रहे हैं आपको, दोस्तों देखिए ये गड्ढा किस तरह से भर गया है, पानी इतना ज़बरदस्त हुआ है इधर ना, बहुत ज़बरदस्त पानी हुआ है। और एक चीज़ आपको यहाँ दिखा रहे हैं हम आपको दोस्तों, देखिए ये एक कुआं बना हुआ है यहाँ पर सामने, और लग नहीं रहा है जैसे ये कुआं है, इसका गहराई लगभग 30-35 फीट होगा, और आप देख सकते हैं कि पानी इसका कितना ऊपर आ गया है, देखिए ऊपर आ गया एकदम पानी, इसको आप हाथ से छू सकते हैं दोस्तों, ये दिखा रहे हैं आपको, देखिए ये आप हाथ से इसको हम पानी को छू सकते हैं, लेकिन देखिए कितना पानी भर गया, एकदम भर गया है। और यहाँ पर आपको देखिए इस कुआं में मछली भी है दोस्तों, पानी इतना भर गया कि यहाँ से एक निकासी के लिए यहाँ पर साइड में फोड़ा गया है पानी को निकालने के लिए, इधर से एक छेद किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी इधर से निकल रहा है, पूरा भर जाता है ये ऊपर, पूरा लेवल इसका हो जाता है, इतना पानी भर जाता है। और इधर आप देखिए सामने का नज़ारा, इतना गड्ढा वाला कुआं में पानी इसमें हमेशा रहता है, लेकिन इस बार जब बारिश हुआ ना, इतना बारिश हुआ, पानी बहुत पानी हुआ है, जिसके चलते कुआं का पानी ऊपर आ गया एकदम। हम लोग के इधर जितना भी कुआं तालाब है सब भर गया है दोस्तों, आपको इधर सामने ले जाएंगे तालाब में, तालाब में भी दिखाएंगे किस तरह पानी भर गया है। चलिए दोस्तों अभी देखते हैं तालाब में किस तरह से पानी लबालब भर गया है। ये दोस्तों देखिए ये तालाब है हम लोग का यहाँ पर सामने, ये देखिए दोस्तों तालाब किस तरह से भर गया पानी से, आप देख पा रहे हैं यहाँ से वहाँ तक एकदम जमीन के बराबर हो गया है, बहुत गड्ढा हुआ है तालाब। आप यहाँ देखिए इसको जूम करके थोड़ी देर दिखाते हैं आपको, देखिए किस तरह से पानी ये भर गया है, पानी अभी लाल दिख रहा है,
पानी लाल होने का रीजन है क्या कि साइड का पानी अभी तालाब में आ रहा है ना, सब पानी तालाब में जा रहा है तो पानी एकदम पूरा भर गया है और मछली इसमें बहुत सारा मछली है। जब बारिश होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होता है, तो पानी जो खेत से तालाब की ओर निकलता है ना, तो उसमें पानी नीचे की ओर जाता है तो मछली ऊपर की ओर भागता है, बहुत मछली है दोस्तों। तो चलिए अभी दोस्तों देखिए गाय सब चर रही है, अब इसको फिर घर ले जाते हैं, शाम भी हो गया है।